लेकिन ऐसा नहीं कि आप इंश्योरेंस ब्रोकरेज के साथ साथ उन इंश्योरेंस एजेंसी से भी टाइप कर लेते हैं कि हम एक्स्ट्रा दो आपका बिकवाएंगे। यदि ऐसी कोई चीज नॉलेज में आई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो आपका नसीब ही रहेगा और मेंबरशिप पे भी आपका डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। ओके, अब आ जाइए, क्या क्या फॉर्मेलिटीज है, हाउ टू फॉर्म ए मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कंपनी। ओके, अब हमें समझना है हाउ टू फॉर्म ए मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म। अब हमको मैनेजमेंट कंसल्टेंसी प्रोसीजर ऑब्लिक आप कहते कंप्लायंस प्रोसीजर, कंप्लायंस ऑब्लिक प्रोसीजर टू फॉर्म ए मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कंपनी एज पर आईसीआई, आईसीआई गाइडलाइंस के हिसाब से एज पर आईसीआई गाइडलाइंस। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ठीक है, तो हमें सबसे पहले एक फॉर्म जी फाइल करना होगा टू आईसीआई फॉर नेम अप्रूवल। जिस तरह हम सीए फर्म बनाते हैं और नेम अप्रूवल के लिए कंपनी बेचते हैं, ठीक है, इसी तरह एक फॉर्म जी हमें फाइल करना होगा आईसीआई के पास फॉर नेम अप्रूवल। ओके, फिर हमें कल करना होगा ये जो नेम हमको दे, इसके करने के बाद में नेम विल बी अप्रूव्ड बाय आईसीआई एज पर नेम जो अप्रूव होगा एज पर रेगुलेशन 190 ऑफ आईसीआई की 190 रेगुलेशन के अंदर हमें नेम अप्रूवल होगा। ओके, इवन अब ये जो इंस्टीट्यूट है, इवन आफ्टर अप्रूवल ऑफ नेम, इफ आईसीआई फील्स दैट इट इज अनडिजायरेबल, यदि आईसीआई को लगता है कि ये नाम अनडिजायरेबल है तो क्या करेगी आईसीआई, ICI can withdraw आपको जो नाम अप्रूव करके दिया है। ओके, उस नाम को भी ICI withdraw कर सकती है, क्लियर, ICI withdraw कर सकती है। साथ में आईसीआई क्या कह सकती है, वो स्पेसिफाई कर सकती है कि इन सारी 23 सर्विसेज में से बेसिकली क्या करोगे, व्हाट सर्विसेज, आपको क्या सर्विसेज करनी है और उस सर्विस को
मेनली आप जो सब मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज करा कंपनी बना रहे हैं वो 23 काम करती है, लेकिन मेनली आप क्या करोगे? सर हम इंश्योरेंस ब्रोकरेज करेंगे। ओके, तो आपके नाम के आगे है ना, नाम के आगे दोषी इंश्योरेंस ब्रोकर प्राइवेट लिमिटेड, ओके या हम रजिस्ट्रार का काम करेंगे, दोषी रजिस्ट्रार प्राइवेट लिमिटेड, यानी आईसीआई क्या कर सकती है? आईसीआई कहती है कि केवल आपके नाम के साथ जो बेसिकली आप सर्विस करने जा रहे हैं उस सर्विस का नाम इंक्लूड किया जाएगा। ओके, तो इस रूप में से हो सकता है जनरल नाम भी दे दे मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज, लेकिन इंस्टीट्यूट ये आपसे इंसिस्ट कर सकता है और इंस्टीट्यूट नाम में ये कंडीशन लगा सकता है कि उस सर्विस को नाम के अंदर लगाना पड़ेगा। ओके, साथ ही साथ कोई भी आपकी कंपनी तो बन जाएगी बट यू कांट एडवर्टाइज, नो एडवर्टाइज। आपकी कंपनी बन गई ना तो आप उसको एडवर्टाइज कर सकते और ना ही उसका कोई नो लोगो, उसका ना ही कोई लोगो बना सकते, ना तो उसको कोई एडवर्टाइज कर सकते ना उसका लोगो बना सकते, कोई एडवर्टाइज नहीं कर सकते, कोई लोगो नहीं बना सकते। ओके, क्लियर? ये सारी चीजों के बाद में, यदि ये सारी चीजों की इंसिस्टेंस के बाद में आईसीआई क्या कर सकती है, जी में आपने अप्लाई किया और आपको रजिस्ट्रेशन दे सकती है इन द फॉर्म फॉर्म नंबर एच, तो रजिस्ट्रेशन में भी ग्रांटेड फॉर्म जी के अगेंस्ट में आपको फॉर्म एच के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो जा सकता है। ओके, अब आपने ये तो बना ली कंपनी, जीत लिया, ये प्रोसीजर हो गया। अब आ जाइए फंक्शनिंग ऑफ फंक्शनिंग ऑफ मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज। नेक्स्ट इज फंक्शनिंग, नेक्स्ट आ जाइए फंक्शनिंग ऑफ मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कंपनी। इसकी फंक्शनिंग कैसे होगी? सबसे पहली समझिए, नो एडिशनल बेनिफिट नो प्रिविलेज नो प्रायोरिटी एज कंपेयर टू विद रेफरेंस टू फर्म और इंडिविजुअल। इस मैनेजमेंट कंपनी को, यदि ये कंपनी नहीं बनती, इसको पार्टनरशिप और उसके अंदर कोई, ठीक है,
कोई बेसिकली फैसिलिटी नहीं मिलेगी। नेक्स्ट क्या है, नो ऑडिट इन दिस कंपनी। ऑडिट का जो काम है वो आप पार्टनरशिप में करिए, अपनी पार्टनरशिप फर्म या इंडिविजुअल में ही कर सकते हैं, कंपनी में कोई ऑडिट नहीं होगा। और यदि सेम कंपनी का, ठीक है, अब इसकी कितनी रेलिवेंस रहेगी आफ्टर कंपनीज एक्ट 2013, क्योंकि जहां पर प्रोविडेंट कर दिया है बिना किसी सीलिंग के, अभी तक तो ये था सेम कंपनी, एसोसिएट कंपनी, ग्रुप कंपनी में कोई भी काम होता तो जो गाइडलाइंस है कि जो नॉन ऑडिट फीस है, नॉन ऑडिट फीस मस्ट नॉट एक्सीड ऑडिट या अटेस्टेशन फीस। मान लो हम एक ग्रुप का, रिलायंस ग्रुप का एक ऑडिट करते हैं जिसकी हमको फीस मिलती है 2 लाख रुपए। कोई एक छोटी सी कंपनी समझ लो, उसकी 2 लाख रुपए फीस मिलती है, तो हम उस पूरे ग्रुप की, चाहे इंडिविजुअल, प्रोपराइटर और इस मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज में 2 लाख रुपए तक का ही और काम कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी तरह का यदि मैनेजमेंट करेंगे या तो उसका ऑडिट छोड़िए। ओके, अब तो क्या है, 9 सर्विसेज पे तो कंडीशन ही लगा दी गई है, और डिस्क्वालीफाई हो जाओगे आप एज एन ऑडिटर। इवन आप कर रहे हो, आपका रिलेटिव कर रहा है, एसोसिएट कर रहा है, ठीक है, दो दो जगह इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, दो दो जगह कंपनी लॉ के अंदर 2013 में है। पहला एक डिस्क्वालिफिकेशन एज एन ऑडिटर, दूसरा टर्मिनेशन और वैकेशन ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर के अंदर 9 सर्विसेज आएंगे। इस तरह के यदि कोई काम करते हैं या इनसे रिलेटेड भी कोई सर्विसेज है, लेकिन अभी उस कंपनी एक्ट के बारे में ना बात करके, गाइडलाइन जब चेंज होगी, हो सकता है 2 महीने में चेंज हो, 4 महीने में चेंज हो, 6 महीने में चेंज हो, अभी हम जो एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस है वो आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो नॉन ऑडिट फीस। ओके, उसके अलावा जो अपना क्लॉज 6 और 7 है, क्लॉज 6, 6 आपको याद आ रहा है, क्लॉज 6 एंड 7 और पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 1 और प्रोफेशनल एथिक्स। हाँ जी, तो ये जो है ये अंडरटेकिंग होगी कि ये जो पार्ट 6 एंड 7 का वायलेशन ये मैनेजमेंट कंपनी नहीं करेगी। ओके, अब जो नेक्स्ट चीज है कि इसका जो ऑब्जेक्ट क्लॉज होगा, ऑब्जेक्ट क्लॉज में क्लियरली उन 20 सर्विसेज के अलावा कुछ नहीं होगा, उन 23 सर्विसेज में से ही कुछ हो सकता है, एक सर्विस हो सकती है, दो हो सकती है, चार हो सकती है, पांच हो सकती है, लेकिन उन 23 सर्विसेज के अलावा ना अदर ऑब्जेक्ट्स में ना मेन ऑब्जेक्ट्स में। ओके, ऑब्जेक्ट क्लॉज बेसिकली, ऑब्जेक्ट क्लॉज हो गई मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज। ओके, साथ ही साथ यदि इसका वायलेशन करेंगे तो इंस्टीट्यूट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट भी इसको रिजेक्ट कर देगा, और कंपनी एक्ट के अंदर भी आपको जो भी वायलेशन के रूल से, यानी दोनों एक्ट के रूल फॉलो करने होंगे, कंपनी एक्ट भी एप्लीकेबल होगा। ओके, एंड
कंपनी एक्ट भी एप्लीकेबल होगा और आईसीआई एक्ट भी, तो वायलेशन वायलेशन के केस में यदि आप जरा भी कोई आईसीआई का वायलेशन करते हैं या फिर कंपनी लॉ का वायलेशन करते हैं, दोनों ही केसेस के अंदर ये जो कंपनी की का जो नाम अप्रूव किया हुआ है या इंस्टीट्यूट की फंक्शनिंग बंद हो सकती है ना, चाहे वो वायलेशन हो ये जो अप्रूवल दी हुई है, वायलेशन यदि कंपनी एक्ट की करते हैं या वायलेशन सी एक्ट की करते हैं, तो ये जो परमिशन मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कंपनी बनाने की दी है ये आपकी विड्रॉ हो सकती है। ओके, अब बेनिफिट क्या है, इसके बेनिफिट क्या है कि इस कंपनी के साथ साथ आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो इंडिविजुअल नाम में या फर्म नेम में, अनलिमिटेड आप कितनी भी इक्विटी रख सकते हो, नो रेस्ट्रिक्शन ऑन इक्विटी। ओके, और नेक्स्ट और यू बेनिफिट है बेटर प्रेजेंटेशन, ठीक है, कंपनी के साथ साथ भी आप इंडिविजुअल और फर्म नाम में आर्टिकल 10 कर सकते हो। तो ये है प्रोज एंड कॉन्स, वायलेशन ऑफ कंपनी है, वायलेशन ऑफ सी है, फायदे हैं आपको कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इंडिविजुअल नाम में, फर्म नाम में, नो रेस्ट्रिक्शन ऑन इक्विटी, कितने भी शेयर होल्डिंग रखिए, बेटर प्रेजेंटेशन होगा, आर्टिकल भी ट्रेन कर सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच। अब हम आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में एनएलपी, कन्वर्जन ऑफ सीएफआर इनटू एनएलपी। थैंक यू वेरी मच। लेकिन ऐसा नहीं कि आप इंश्योरेंस ब्रोकरेज के साथ साथ उन इंश्योरेंस एजेंसी से भी टाई अप कर लेते हैं कि हमें एक्स्ट्रा दो आपका बिकवाएंगे, यदि ऐसी कोई चीज नॉलेज में आई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट तो आपका नसीब भी रहेगा और मेंबरशिप पे भी आपका डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। ओके, अब आ जाइए क्या क्या फॉर्मेलिटी है, हाउ टू फॉर्म ए मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कंपनी। ओके, अब हमें समझना है हाउ टू फॉर्म ए मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म। अब हमको मैनेजमेंट कंसल्टेंसी प्रोसीजर ऑब्लिक आप कहते कंप्लायंस प्रोसीजर, कंप्लायंस ऑब्लिक प्रोसीजर टू फॉर्म ए मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कंपनी एज पर आईसीआई आईसीआई गाइडलाइंस के हिसाब से, एज पर आईसीआई गाइडलाइंस। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ठीक है, तो हमें सबसे पहले एक फॉर्म जी फाइल करना होगा टू आईसीआई फॉर नेम अप्रूवल। जिस तरह हम सीए फर्म बनाते हैं और नेम अप्रूवल के लिए कंपनी बेचते हैं, ठीक है, इसी तरह एक फॉर्म जी हमें फाइल करना होगा आईसीआई के पास फॉर नेम अप्रूवल। ओके, फिर हमें कब करना होगा, ये जो नेम हमको दे, इसके करने के बाद में नेम
name will be approved by ICI. Name will be approved by ICI as per name जो approve होगा as per regulation 190 of ICI की 190 regulation के अंदर हमें name approval होगा. ओके इवन अब ये जो इंस्टीट्यूट है इवन आफ्टर अप्रूवल ऑफ नेम if ICI feels that it is undesirable, यदि ICI को लगता है कि ये नाम undesirable है तो क्या करेगी ICI? ICI can withdraw आपको जो नाम अप्रूव करके दिया है. ओके उस नाम को भी ICI विथड्रॉ कर सकती है. क्लियर? ICI विथड्रॉ कर सकती है. साथ में ICI क्या कह सकती है, वो स्पेसिफाई कर सकती है कि इन सारी 23 सर्विसेज में से बेसिकली क्या करोगे, व्हाट सर्विसेज, आपको क्या सर्विसेज करनी है और उस सर्विस को कि मेनली आप जो सब मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज करा कंपनी बना रहे हैं वो 23 काम करती है, लेकिन मेनली आप क्या करोगे? सर हम इंश्योरेंस ब्रोकरेज करेंगे. ओके तो आपके नाम के आगे है ना, नाम के आगे दोषी इंश्योरेंस ब्रोकर प्राइवेट लिमिटेड. ओके या हम रजिस्ट्रार का काम करेंगे, दोषी रजिस्ट्रार प्राइवेट लिमिटेड, यानी ICI क्या कर सकती है, ICI कहती है कि केवल आपके नाम के साथ जो बेसिकली आप सर्विस करने जा रहे हैं उस सर्विस का नाम इंक्लूड किया जाएगा. ओके तो इस रूप में से हो सकता है जनरल नाम भी दे दे मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज, लेकिन इंस्टीट्यूट ये आपसे इंसिस्ट कर सकता है और इंस्टीट्यूट नाम में ये कंडीशन लगा सकता है कि उस सर्विस को नाम के अंदर लगाना पड़ेगा. ओके साथ ही साथ कोई भी आपकी कंपनी तो बन जाएगी बट यू कांट एडवर्टाइज, नो एडवर्टाइज. आपकी कंपनी बन गई ना तो आप उसको एडवर्टाइज कर सकते और ना ही उसका कोई नो लोगो, उसका ना ही कोई लोगो बना सकते, ना तो उसको कोई एडवर्टाइज कर सकते ना उसका लोगो बना सकते, कोई एडवर्टाइज नहीं कर सकते, कोई लोगो नहीं बना सकते. ओके क्लियर? ये सारी चीजों के बाद में, यदि ये सारी चीजों की इंसिस्टेंस के बाद में ICI क्या कर सकती है, जी में आपने अप्लाई किया और आपको
रजिस्ट्रेशन दे सकती है इन द फॉर्म फॉर्म नंबर एच, तो रजिस्ट्रेशन में भी ग्रांटेड फॉर्म जी के अगेंस्ट में आपको फॉर्म एच के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो जा सकता है। ओके, अब आपने ये तो बना ली कंपनी, जी दिया, ये प्रोसीजर हो गया। अब आ जाइए फंक्शनिंग ऑफ, फंक्शनिंग ऑफ मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज। नेक्स्ट इज फंक्शनिंग, अब नेक्स्ट आ जाइए फंक्शनिंग ऑफ मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कंपनी। इसकी फंक्शनिंग कैसे होगी, सबसे पहले समझिए, नो एडिशनल बेनिफिट नो प्रिविलेज नो प्रायोरिटी एज कंपेयर टू विद रेफरेंस टू फर्म और इंडिविजुअल। इस मैनेजमेंट कंपनी को, यदि ये कंपनी नहीं बनती, इसको पार्टनरशिप और उसके अंदर कोई, ठीक है, कोई बेसिकली फैसिलिटी नहीं मिलेगी। नेक्स्ट क्या है, नो ऑडिट इन दिस कंपनी। ऑडिट का जो काम है वो आप पार्टनरशिप में करिए, अपनी पार्टनरशिप फर्म या इंडिविजुअल में ही कर सकते हैं, कंपनी में कोई ऑडिट नहीं होगा। और यदि सेम कंपनी का, ठीक है, अब इसकी कितनी रिलीवेंस रहेगी आफ्टर कंपनीज एक्ट 2013, क्योंकि जहां पर प्रोविडेंट कर दिया है बिना किसी सीलिंग के, अभी तक तो ये था सेम कंपनी, एसोसिएट कंपनी, ग्रुप कंपनी में कोई भी काम होता तो जो गाइडलाइंस है कि जो नॉन ऑडिट फीस है, नॉन ऑडिट फीस मस्ट नॉट एक्सीड ऑडिट या अटेस्टेशन फीस। मान लो हम एक ग्रुप का, रिलायंस ग्रुप का एक ऑडिट करते हैं जिसकी हमको फीस मिलती है 2 लाख रुपए, कोई एक छोटी सी कंपनी समझ लो, उसकी 2 लाख रुपए फीस मिलती है, तो हम उस पूरे ग्रुप की, चाहे इंडिविजुअल प्रोप्राइटर और इस मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज में, 2 लाख रुपए तक का ही और काम कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी तरह का यदि मैनेजमेंट करेंगे या तो उसका ऑडिट छोड़िए। ओके, अब तो क्या है, 9 सर्विसेज पे तो कंडीशन ही लगा दी गई है, और डिस्क्वालीफाई हो जाओगे आप एज एन ऑडिटर, इवन आप कर रहे हो, आपका रिलेटिव कर रहा है, एसोसिएट कर रहा है, ठीक है, दो दो जगह इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, दो दो जगह कंपनी लॉ के अंदर 2013 में है, पहला एक डिस्क्वालिफिकेशन एज एन ऑडिटर, दूसरा टर्मिनेशन और वैकेशन ऑफ द
चार्टर्ड अकाउंटेंट और टेस्ट क्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर के अंदर नाइन सर्विसेज आएंगे। इस तरह के यदि कोई काम करते हैं या इनसे रिलेटेड भी कोई सर्विसेज है, लेकिन अभी उस कंपनी एक्ट के बारे में ना बात करके गाइडलाइन जब चेंज होगी, हो सकता है 2 महीने में चेंज हो, 4 महीने में चेंज हो, 6 महीने में चेंज हो। अभी हम जो एग्जिस्टिंग गाइडलाइन है वो आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो नॉन ऑडिट फीस ओके, उसके अलावा जो अपना क्लॉज 6 और 7 है, क्लॉज 6 7 आपको याद आ रहा है? क्लॉज 6 एंड 7 और पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 1 और प्रोफेशनल एथिक्स, हाँ जी। तो ये जो है ये अंडरटेकिंग होगी कि ये जो पार्ट 6 एंड 7 का वायलेशन ये मैनेजमेंट कंपनी नहीं करेगी, ओके। अब जो नेक्स्ट चीज है कि इसका जो ऑब्जेक्ट क्लॉज होगा, ऑब्जेक्ट क्लॉज में क्लियरली उन 20 सर्विसेज के अलावा कुछ नहीं होगा। उन 23 सर्विसेज में से ही कुछ हो सकता है, एक सर्विस हो सकती है, 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, लेकिन उन 23 सर्विसेज के अलावा ना अदर ऑब्जेक्ट्स में ना मेन ऑब्जेक्ट्स में, ओके। ऑब्जेक्ट क्लॉज बेसिकली ऑब्जेक्ट क्लॉज होगा ही मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज, ओके। साथ ही साथ यदि इसका वायलेशन करेंगे तो इंस्टीट्यूट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट भी इसको रिजेक्ट कर देगा और कंपनी एक्ट के अंदर भी आपको जो भी वायलेशन के रूल से, यानी दोनों एक्ट के रूल फॉलो करने होंगे, कंपनी एक्ट भी एप्लीकेबल होगा, ओके। एंड कंपनी एक्ट भी एप्लीकेबल होगा और आईसीआई एक्ट भी, तो वायलेशन इज वायलेशन के केस में यदि आप जरा भी कोई आईसीआई का वायलेशन करते हैं या फिर कंपनी लॉ को वायलेशन करते हैं, दोनों ही केसेस के अंदर ये जो कंपनी की का जो नाम अप्रूव किया हुआ है या इंस्टीट्यूट की फंक्शनिंग बंद हो सकती है ना, चाहे वो वायलेशन हो ये जो अप्रूवल दी हुई है, वायलेशन यदि कंपनी एक्ट की करते हैं या वायलेशन सी एक्ट की करते हैं, तो ये जो परमिशन मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कंपनी बनाने की दी है ये आपकी विथड्रॉ हो सकती है, ओके। अब बेनिफिट क्या है, इसके बेनिफिट क्या है कि इस कंपनी के साथ साथ आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो इंडिविजुअल नाम में या फर्म नेम में, अनलिमिटेड आप कितनी भी इक्विटी रख सकते हो, नो रेस्ट्रिक्शन ऑन इक्विटी, ओके। और नेक्स्ट और यू बेनिफिट है बेटर प्रेजेंटेशन, ठीक है। कंपनी के साथ साथ भी आप इंडिविजुअल और फर्म नाम में आर्टिकल 10 कर सकते हो, तो ये हैं प्रोज एंड कॉन्स, वायलेशन ऑफ कंपनी है, वायलेशन ऑफ सी है, फायदे हैं आपको कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इंडिविजुअल नाम में, फर्म नाम में, नो रेस्ट्रिक्शन ऑन इक्विटी, कितने भी शेयर होल्डिंग रखिए, बेटर प्रेजेंटेशन होगा,
आर्टिकल भी ट्रेन कर सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच। अब हम आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में एनएलपी, कन्वर्जन ऑफ सीएफएल इनटू एनएलपी। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अब हम ले रहे हैं आज एक लेटेस्ट टॉपिक, वो जो टॉपिक अभी आपको बुक्स में कमी मिलेगा ऑडिटिंग की बुक्स में, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज काउंसिल गाइडलाइंस Council guidelines for conversion of CFL into LLP. LLP यानी limited liability पार्टनरशिप, यानी काउंसिल गाइडलाइंस फॉर कन्वर्जन ऑफ काउंसिल गाइडलाइंस फॉर कन्वर्जन ऑफ सीएफएल इनटू एलएलपी। तो क्या है काउंसिल की गाइडलाइंस टू कन्वर्ट CFL into an LLP। आज हमको ये समझना, हमको समझना है कन्वर्जन ऑफ काउंसिल गाइडलाइन, काउंसिल गाइडलाइंस फॉर कन्वर्जन ऑफ CFL into LLP। ओके, तो ये जो काउंसिल गाइडलाइंस है कि हम, आपको पता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ये लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जिसको शॉर्ट में कहते हैं एलएलपी, एलएलपी एक्ट आ चुका है, कई साल हो गए, 2-3 साल पुराना एक्ट हो चुका एलएलपी एक्ट। ओके, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट के अंदर क्या क्या है कि, हाँ जी, एलएलपी एक्ट एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, लेकिन अब प्रोफेशनल्स लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर अलाउ किया है कि प्रोफेशनल्स के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं, लाइक सीए, सीएस, सीडब्ल्यूए, इवन एडवोकेट्स, दे कैन फॉर्म एन एलएलपी। लेकिन एक सीए ऑडिट करता है और ऑडिट में वो गलती करता है, कोई क्रिमिनल और सिविल लाइबिलिटी आती है, तो पार्टनरशिप में वो सिविल और क्रिमिनल लाइबिलिटी सभी पार्टनर्स में आती है। लेकिन ये जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर जो प्रोफेशनल से रिलेटेड वर्क है, इन सब की जो पार्टनरशिप के अंदर जो लाइबिलिटी है, दैट इज लिमिटेड टू दैट पार्टनर, इस तरह का एक्ट एलएलपी एक्ट है। तो उस एलएलपी एक्ट के अंदर हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट ने एलएलपी बनाना परमिट किया। ओके, कई साल पहले, उससे पहले एलएलपी का हम लोग डिस्कशन, एक्ट आया 5 सालों से उन पर डिस्कशन चल रहे थे, आखिर काउंसिल ने इसकी गाइडलाइंस निकाली, वो गाइडलाइंस भी अब काफी टाइम हो चुका है, तो ये काफी इम्पोर्टेंट आज की डेट में हो चुकी है एग्जाम के लिए। तो ये गाइडलाइंस कहती क्या, ये गाइडलाइंस ये होती है कि जब भी
whenever a CA firm want to convert, जब भी CA firm और ACA firm और CA firms wants to convert them in LLP, then they have to follow. क्या क्या उनको follow करने होंगे? सबसे पहले उनको follow करनी होगी Schedule Second of LLP Act. LLP Act की Schedule Second follow करनी होगी. Schedule Second of, ठीक है? अब ये जो Schedule Second of the LLP Act क्या कहती है? ये LLP Act की Schedule कहती है when a CA firm apply for LLP to register of LLP यानी जब भी CA firm registration के लिए LLP के लिए apply करेगी ओके तो then registrar will refer the case refer it to ICI जब भी उसमें CA firm apply करती है या CA का नाम होता है ना CA firm apply करता है ओके या CA has been included CS भी हैं CA भी हैं या तो CA firm apply करता है या CA name include किया इन cases के अंदर registrar of LLP क्या करेगा registrar of LLP जो भी application है इस application को refer कर देगा Institute of the Chartered Accountants of India ओके और जब तक Institute of the Chartered Accountant का सेक्रेटरी रिटेल में कंसेंट नहीं देता एलएलपी कैन नॉट बी फॉर्म विद द इंक्लूजन ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ओके तो अब जब भी ये अब क्या करेगा आईसीआई क्या करेगा ICI ICI rules plus CA Act plus guidelines के हिसाब से उसका name approve करेगा और नेम अप्रूव करके इस नेम अप्रूव को वापस भेज देगा टू रजिस्ट्रार अप्रूवल ऑफ नेम है ना नेम invalid valid form to register of LLP ओके अब क्या हुआ ये जो LLP ने देखा लेकिन कि भाई इस सूट से तो क्लियरेंस हो गई अब क्या करेगा LLP LLP का जो रजिस्ट्रार है आज की डेट में वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी की देखता है ना तो रजिस्ट्रार ऑफ LLP क्या करेगा Then he will verify with non-CA entity. भाई इंस्टीट्यूट ने तो क्लियर कर दिया लेकिन
पता लगा कि नेम इज सिमिलर टू नॉन सी एंटिटी। जैसे मान लो सीए फार्मा बीडी अग्रवाल एंड कंपनी और एक बीडी अग्रवाल शेयर ब्रोकर भी है, वो भी एलएलपी रजिस्टर्ड है। तो यदि नेम इज सिमिलर टू द नॉन सीए एंटिटी तो फर्म, अभी तक तो आपकी चार्टर्ड अकाउंटेंट नीचे से लिखते हैं अलग से, फर्म का नाम में तो नहीं होता, देन एलएलपी रजिस्टर्ड ऑफ एलएलपी will insist LLP mayor will, वो interpretation of statute में हमने पढ़ा दिया कि may होगा तब भी बिल ही माना जाएगा government department की, may will insist that bird CA और चार्टर्ड अकाउंटेंट बट सीए और चार्टर्ड अकाउंटेंट तो इंसिस्ट क्या करेगा, वो इंसिस्ट करेगा दैट बर्ड सीए और चार्टर्ड अकाउंटेंट अकाउंटेंट बी इंक्लूडेड इन द नेम ऑफ एलएलपी इटसेल्फ। क्या करेगा कि आपका जो नाम है उसी नाम के अंदर सीए वर्ड, ओके, इंक्लूड होगा, ओके। अब आ जाइए नेक्स्ट इज, अब हम सीखते हैं प्रोसीजर। क्या होगा प्रोसीजर, नाउ वी लर्न अबाउट प्रोसीजर फॉर कन्वर्जन ऑफ सी एफ एम इंटू एल एल पी। हाँ जी, प्रोसीजर क्या होगा ये हमको समझना है। क्या होगा प्रोसीजर फॉर कन्वर्जन ऑफ सी ए फर्म इंटू एल एल पी। सी ए फर्म को एल एल पी में करने के लिए सबसे पहले क्या होगा, कहां अप्लाई करना पड़ेगा, कहां करेंगे हम अप्लाई, ओके, कहां करेंगे अप्लाई, कहां मिलेगा हमको एल एल पी का फॉर्म। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कि सबसे पहले हम लोग फॉर्म नंबर आईसीआई का फॉर्म नंबर 18 प्लस फॉर्म नंबर 117, ओके, प्लस यदि नेम अप्रूवल के लिए हमने नेम अप्रूवल एप्लीकेशन टू एलएलपी है ना साइंड बाय ऑल पार्टनर्स, ये सारी चीजें हम सबमिट करेंगे टू
to the regional council of to the regional council of ICI ईस्टर्न रीजन का होगा तो ईस्टर्न में, वेस्टर्न रीजन को होगा तो वेस्टर्न में, नॉर्दर्न का होगा नॉर्दर्न में, सेंट्रल का होगा सेंट्रल में, यानी जो भी आपकी सदन का होगा सदन में, वहां पर आपको ये एप्लीकेशन रीजनल ऑफिस ऑफ आईसीआई में देनी होगी। ओके अब जो भी फॉर्म होगी उस फॉर्म का जो भी नेम रजिस्टर में होगा दैट विल बी रिजर्व फॉर दिस एलएलपी प्रोवाइडेड All parties और पार्टनर साइन कर रहे हैं तो क्या होगा, यदि सारे पार्टनर साइन कर रहे हैं तो ये नेम रिजर्व होगा। ओके जिस तरह पार्टनरशिप में होता है इसमें जो भी गाइडलाइंस इंस्टीट्यूट किए आईसीआई गाइडलाइंस रिगार्डिंग सीनियरिटी ऑफ पार्टनर्स विल आल्सो बी एडहर्ड इन द केस ऑफ एलएलपी। आईसीआई की जो गाइडलाइंस है सीनियरिटी के बारे में ओके सेम टाइप से यदि इफ more than one firm from an LLP तब भी same seniority and same status दोनों केस में same seniority will be maintained एंड सेम स्टेटस रहेगा। ओके जिस तरह का ये सेम किस तरह का रहेगा, जैसा कि सेम एज इन द केस ऑफ मर्जर, सेम एज इन द केस ऑफ मर्जर ऑफ टू सीए फर्म टू मोर सीए फर्म। ठीक है जो भी मर्जर के केस में टू और मोर सीए फर्म के मर्जर के केस में जो प्रोसीजर रहता है वो सेम प्रोसीजर विल बी फॉलोड इन दैट केस आल्सो। ओके even और seniority level भी same रहेगा if not converted तो जो status होता अगर जो यदि ये convert नहीं होती तो जो seniority होती जो status होता वो same status same seniority in this case will also be
ओके अब होगा क्या जब मोर देन वन होगी, जब मोर देन वन हो, मोर देन वन होगी सेम इन द केस ऑफ, तो यदि ये सेम सीनियरिटी होगी लेकिन होगा क्या, यदि मोर देन वन फॉर्म होगी मर्ज होगी तो इनका अलग अलग एफ आर एन नंबर होगा। एफ आर एन नंबर मान लो N008529 W052439, ये दो एफ आर एन नंबर होंगे, तो कोई एक एफ आर एन नंबर इस कंपनी को दे दिया जाएगा, दूसरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ये एफ आर एन रहे या ये एफ आर एन रहे, ये आईसीआई का डिस्क्रिप्शन होगा, ये फर्म कुछ भी नहीं कह सकती कि हम कौन सा एफ आर एन रहेंगे। ये एक एफ आर एन वो अपनी चॉइस बता सकती है, लेकिन फाइनल डिसीजन है जब आईसीआई। तो ये जो एफ आर एन नंबर है यही एनएलपी का फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, हर एक एनएलपी का फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। तो उसी तरह जिस तरह पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो रहेगा, दूसरी वाली जो फर्म है डेट विल बी डिजॉल्व, ये डिजॉल्व हो जाएगी। हाँ जी, कुछ कुछ समझ में आया, ये फर्म जो है ये डिजॉल्व हो जाएगी। क्लियर? तो जो इंस्टीट्यूट के रूल्स हैं, कुल मिला के हमने समझा क्या, सीनियरिटी रूल्स सेम सीनियरिटी रूल, सेम सीनियरिटी रूल रहेंगे, अपॉइंटमेंट से कन्वर्जन से आपकी स्टेटस सीनियरिटी में कोई फर्क नहीं होता। सर ये तो सर आपने बता दिया, लेकिन अगर ए प्रोपराइटर सीए प्रोपराइटरी फर्म, ये सीए फर्म की जगह सीए प्रोपराइटरी फर्म ये एलएलपी में एंटर होती है तो क्या होगा, तो बेटे इन द प्रोपराइटरी केस विल बी द सेम रूल्स, सेम सीनियरिटी सेम एपारेंट, जो रूल्स एक फर्म कन्वर्ट हो रहा है ठीक है उसको इसी तरह रहेगा, वो जो प्रोपराइटरशिप है उसी का जो फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर है वो फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर एफ आर एन का हो जाएगा, उस जो प्रोपराइटरशिप फर्म की जितनी सीनियरिटी है उतनी सीनियरिटी की वो एल एल पी हो जाएगी, और जो उसके पार्ट प्रोपराइटर की जो सीनियरिटी है उसी सीनियरिटी के हिसाब से उसी एक्सपीरियंस के हिसाब से उसकी सीनियरिटी और एवरीथिंग विल रिमेन सेम। तो फर्म या प्रोपराइटरशिप दोनों में सेम कंडीशंस रहेंगी, तो गो अहेड है ना, बनिए जल्दी से सीए और फिर बनाइए एलएलपी, दोस्तों के साथ में लिखिए सीए सीएस, काफी तो यहाँ पर सीए भी कर रहे हैं सीएस भी कर रहे हैं, तो बड़े लेवल पे काम कीजिए। इसलिए इंस्टीट्यूट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट ने एक एलएलपी के लिए प्रोसीजर बनाया, काउंसिल गाइडलाइंस बनाई है, लेकिन इंस्टीट्यूट अपना स्ट्रिक्ट है, आपको कोई वायलेशन नहीं करना है, सिस्टम से काम करना है, प्रोसीजर को फॉलो कीजिए और यू कन्वर्ट योर पार्टनरशिप फर्म इनटू द एलएलपी। थैंक यू वेरी मच।